हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप देख सकते हो, आज व्लॉग में मेरे साथ है मम्मी। आज मैं करने वाली हूँ मम्मी का मेकओवर। तो मम्मी को मैंने आज तक मेकअप में देखा नहीं है। मम्मी लिपस्टिक भी नॉर्मली यूज नहीं करती है, बट मैं देखना चाहती थी कि मम्मी कैसे लग रही है। आप भी लास्ट में बताना कि आपको कैसा लगता है। पहले हम मम्मी से पूछते हैं कि आज मम्मी को कैसा फील हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आज मेकअप करने वाली हूँ? मेकअप करेगी तभी पता चलेगा। अच्छा, तो मम्मी का कहना है कि मेकअप करेगी तभी पता चलेगा। हाँ, ऑब्वियसली अभी पहले क्या ही पता लगेगा, क्या ही फील होगा, है ना। तो किस टाइप का मेकअप चाहिए? जैसा तेरे को अच्छा लगता है वैसा। ठीक है, तो ये भी मेरे ऊपर है। तो चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है मेकअप। और आप भी बताना लास्ट में कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। और मम्मी तो भाई सबकी फेवरेट है ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो पहनने वाली है मम्मी साड़ी, है ना। तो ऊपर का चेंज कर लेना, ब्लाउज पहन लो, उसके बाद में मेकअप कर लेना। ठीक है, चलो चेंज करके आते हैं एक मिनट के अंदर। ओके, तो जब तक मम्मी चेंज कर रही है ना, मैं सोची तब तक आपसे बात ही कर लूँ। तो बहुत टाइम से मुझे व्लॉग बनाना था और मम्मी का मुझे मेकअप करना था स्पेशली। तो बड़ी मुश्किल से आज मम्मी रेडी हुई है कि ठीक है कर लेना मेकअप। तो देखना आप कैसा होता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर और अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है हम लोगों का, आज की वीडियो कैसी बनती है। तो चलो ठीक है। तो मम्मी ने ब्लाउज पहन लिया है और अभी मैं अपना मेकअप का सामान लेके आ गई हूँ। और अभी मम्मी को मैंने फेस वॉश करने के लिए भेजा है। मुझे ना इस वाले मेकअप फिक्सर की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। NYB का ये मेकअप फिक्सर है, बहुत छोटू सा है बट इसकी स्मेल बहुत हेवनली। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना मेकअप। ओके दोस्तों, अभी मेरा मेकअप का सामान मैंने सब इधर पे रख दिया है, जो जो भी मुझे नीड है सब मैंने यहाँ पे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। मेकअप करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर का वेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने इसे भिगा लिया था और थोड़ा सा स्क्रिच कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉइस्चराइजर से। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। और मम्मी बोर हो जाएगी क्या ही कर रहे चल। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए प्राइमर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मम्मी का मैं जो क्रीज एरिया है उसे डिफाइन करूंगी एक ब्राउन कलर के शेड से। सो बेसिकली जो आज का मेकअप होगा ना, वो अडल्ट स्किन पे होने वाला है। जैसे मम्मी लोगों की अडल्ट वाली स्किन होती है, जैसे आप देख सकते हो। तो मम्मी की साड़ी में थोड़ा सा गोल्डन है बंद करना, तो मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर का भी पिगमेंट रख दूंगी, हल्का सा। बहुत लाइट मेकअप मैं कर रही हूँ मम्मी का, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि मूड खराब हो जाए लास्ट में। तो मैं बहुत नॉर्मल रख रही हूँ। अच्छा, मम्मी का मूड तो खराब नहीं होता है, लेकिन मम्मी सच बताती है। अगर मम्मी को अच्छा लग रहा है तो मम्मी बोलती है अच्छा है, अगर बेकार लग रहा है तो बेकार है ना। सही बात है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा ब्राउज़ को भी डिफाइन कर लेते हैं। मैंने एक डार्क ब्लैक कलर का शेड लिया था और उसे अच्छे से ब्राउज़ में अप्लाई किया था। ब्राउज़ ना बनी हुई नहीं है आईब्रोज़, तो फिर शेप दिया था मैंने इसे थोड़ा सा, एंड स्पूली की हेल्प से जितना भी एक्सेस बचा हुआ पाउडर था इसे रिमूव कर लिया था। फिर मैंने कंसीलर लिया और थोड़ा सा ब्राउज़ को डिफ़ाइन किया है। एंड फिर उसके बाद बारी थी फाउंडेशन की, तो मैंने मम्मी के टोन से एक टोन अप फाउंडेशन लिया और फिंगर की हेल्प से उसे पहले फेस पे लगाया एंड उसके बाद अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया। तो प्रॉपरली आपने ब्लेंड करना है, जितना अच्छा आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही आपका मेकअप अच्छा रहेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो मैंने प्रॉपरली पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर की हेल्प से, एंड
फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया था और जितना ही बचा हुआ था थोड़ा सा मैंने नेक में भी बाद में अप्लाई किया, ईयर्स पे लगाया था एंड उसके बाद मैंने इसे लॉक किया था पाउडर से। जो हो जाए रियल वाली हो जाए तो और भी बढ़िया है। मुझे मम्मी से कुछ पूछना है, पूछूं? तो यार क्यों मतलब बिना पूछे कैसे, मतलब बात तो कर लेते हैं ना, मुंह तो चला सकते हैं, बात तो कर ली है, इतना ये बात होती है, चुपचाप काम करते हैं। कौन करता चुपचाप काम, पता नहीं कितना बोलते मेकअप आर्टिस्ट। तो अभी मम्मी को दे रही हूँ कॉन्टोरिंग, हल्का सा मैं पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ मम्मी का। हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हाइलाइटर लगने के बाद ना जो आपके फेस का ग्लो आता है वो तो अल्टीमेट होता है, और अगर वो ऑन पॉइंट है तब तो बात ही अलग है। ओके, तो अभी मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग, तो जो फेस के जितने भी उभरे हुए पार्ट हैं उनमें हाइलाइट किया जाता है, आप देख सकते हो चिक्स में, फॉरहेड, नोज़, चिन और थोड़ा सा अपर लिप पे, तो ये जो एरिया है जहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। अभी मैं कर रही हूँ मम्मी का एक हल्का सा विंग लाइनर बनाने का ट्राई कर रही हूँ, काजल मम्मी को लगाना नहीं है तो इसलिए मैं एक हल्का सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं लगा रखा है, दोनों साइड पर मैंने बनाया इसे सेम। ओके नाउ सो इट्स टाइम फॉर मस्कारा, मैंने दोनों जो लेसेस हैं उनमें मस्कारा लगा दिया है प्रॉपरली। मम्मी से मैं देख रही कह रही थी कि ऊपर देखने के लिए, बट मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था। एंड अभी मैं लगा रही हूँ मम्मी के लिप्स पे टिंट, ये ब्राउन कलर का लिप टिंट है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, स्मेल भी बहुत प्यारी है। फिर बारी आई लिपस्टिक की, आप देख सकते हो डार्क पिंक कलर का मैंने शेड लगाया हुआ है मम्मी के लिप्स में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मम्मी का ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है, अभी मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ लुक कैसा लग रहा है, करूँगी हेयर स्टाइल। और मम्मी कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, तो पहली बार मम्मी को मेकअप अच्छा लग रहा है, आज तक मम्मी ने कभी भी मेकअप की तारीफ नहीं की है। बट सही में अच्छी लग रही है, अच्छा अभी थोड़ी देर में सेटल जाएगा ना तो और सही लगेगा, अभी मुझे थोड़ा नेक में भी करना है। सो अभी मैं नेक पे भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के इसे अच्छे से पूरे नेक पे लगा दूंगी, क्योंकि ना फेस पे करो और नेक वाला एरिया फिर ऐसा ही रह जाता तो वो बहुत बेकार लगता है, तो मैंने इसमें वॉइस ओवर किया था बट बहुत वॉइस आ रही थी तो मुझे बाद में ऐड करना पड़ा। फिर मैंने मम्मी की हेयर स्टाइलिंग की, इसमें से मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग करके टू साइड से हेयर्स निकाल लिए थे और उसके बाद एक नॉर्मल सी आगे से हेयर स्टाइल बनाया और दोनों साइड से मैंने इसे बना के कम्प्लीट कर लिया और पीछे उसके बाद इसे टक कर लिया था। पीछे मैंने बना रखी है अभी नॉर्मल सी पोनी टेल और अभी इसमें मैं बनाऊंगी जूड़ा, और जूड़े में कोई भी मैं पफ यूज़ करने वाली नहीं हूँ, विदाउट पफ ही मैं ये जूड़ा बनाऊंगी और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी आप देखना लास्ट में। तो अभी मैंने टक कर दिए हेयर्स को, अभी बारी है बैक साइड की और हेयर स्टाइलिंग की, तो मैंने लिया जूड़ा अच्छे से इसे पहले टाई किया और बहुत टाइटली हमने इसे रखना है, फिर मैंने इसके टू पार्टीशन किए और फिर जो एक पार्टीशन था उसके भी टू पार्टीशन करके उसे अच्छे से फोल्ड किया और अच्छे से पूरे हेयर्स को धीरे धीरे करके एक जूड़े का शेप देते हुए टक करते हुए चले गई। फिर दूसरे से भी मैंने सेम किया हुआ है, आप देख सकते हो, और लास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये जूड़ा बन के आता है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये जूड़ा है। फिर मैंने इसे लास्ट में कवर किया था थोड़े हेयर एक्सेसरीज़ के साथ, तो ये मैंने मम्मी के पास रोज़ थे तो ये मैंने मांगे, ये आर्टिफिशियल रोज़ हैं गोल्डन कलर के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत बार हम यूज भी कर
चुके हैं इन्हें। एंड आप देख सकते हो 3 और 4 मैंने इसमें लगाए थे मम्मी के हेयर्स में, एंड फाइनल लुक है जो हेयर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। आप देख सकते हो फ्रंट से स्टाइलिंग ये है, एक हेयर छूट गया था तो मम्मी बोलती कि इसे भी पीछे कर दें, तो मैंने इसे भी फिर पीछे कर दिया और सिर्फ एक ही थोड़े से बाल आगे निकाले थे। फिर आप देख सकते हो कि जो हेयर्स का लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड फिर उसके बाद मैंने देखा कि इयर रिंग्स भी मम्मी ने पहने हुए नहीं है, तो फिर मैंने ये वाले झुमके हैं मेरे, मम्मी नॉर्मली पहनती नहीं है ऐसे, बट मैंने कहा कि ये साड़ी में अच्छे लगेंगे तो ये वाले फिर मैंने मम्मी को पहना दिए थे। एंड ये मम्मी पे जा रहे थे, वैसे मम्मी के फेस में ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, बट ये वाले काफ़ी सिंपल और प्यारे से लग रहे थे, तो आप देख सकते हो मैंने ये वाले झुमके भी मम्मी को पहना दिए। सो फाइनली मम्मी पूरी रेडी होके आ चुकी है और आप देख सकते हो फुल लुक मम्मी का बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। माय गॉड, वाओ। तो अब बताना मम्मी क्या कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, बैठ जाना, बैठ। और कुछ कहना चाहती है मम्मी? ना, कुछ नहीं। कुछ तो बोल। क्या बोलूं फिर? सो गाइज, ये था मम्मी का फाइनल लुक और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मम्मी को नॉर्मली मेकअप करना पसंद नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पहले कि पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट फाइनली मम्मी को पसंद आया है। बहुत ही मिनिमल मेकअप लुक मैंने किया हुआ था और हेयर स्टाइलिंग भी मैंने बहुत नॉर्मल से की है, क्योंकि मम्मी ना हमेशा से पीछे जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे ही मम्मी भी बनाती है। तो दिखाना एक बार अपना जूड़ा हेयर स्टाइल, दिखाना। तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सा जूड़ा बनाया है और आगे से भी जो फ्रंट वाला जो हेयर स्टाइल किया है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल किया हुआ है। तो मम्मी को पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।